तो अभी का सीन ऐसा है कि कोर्ट से आए हमें 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन हम यही थे, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी और मेरा थोड़ा वैसा भी था कि मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मेरे पैर फोल्ड होते नहीं है। पहले हमने सोचा था एक ऑप्शन ये होता है कि कोई भी फ्लाइट में जाओ, आप अगर उनको बोल दो मेडिकल इमरजेंसी है तो वो 9 सीटें खाली करके उसकी जगह एक बेड लगा देते हैं, लेकिन वो वाला सिस्टम हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। फिर हमने पता किया कि बिजनेस क्लास कहाँ पर है, बिकॉज बिजनेस क्लास में सोफा होता है, रिक्लाइनर भी होता है, आराम से खुल जाता है, मेरी टांगी सीधी बैठ जाएंगी। तो हमें 3 दिन बाद की टिकट मिली, मतलब कल की। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रहा हूँ कल के लिए, बिकॉज मेरे को रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। अभी तो क्या है, जैसे पानी का मग्गा यहाँ रखा हुआ है, ये मेरा बीएड वाला ब्रश है, रेडी होने में मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा, और सुबह 10 बजे हमें यहाँ से निकलना है, नींद भी पूरी करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी फाइनली कल हम इंडिया पहुँच जाएंगे। नेपाल में कितने दिन लगा दिए हमने जीजू? लगभग लगभग 21 दिन, 22 तो मुझे हो गए हैं, 22 तुझे ज्यादा दिन हो गए मतलब हैं। मेरे को 23-24 दिन हो गए हैं। तो 24 दिन बाद मैं वापसी इंडिया जा रहा हूँ। मम्मी पापा को हमने आने नहीं दिया था, बिकॉज वो यहाँ पर आते बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो जब भी मेरे को वीडियो कॉल करते हैं ना, इतना ज़्यादा रोते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने उनको मना किया कि आप लोग यहाँ पर मत आओ, यहाँ आओगे मेरे को देख के और ज़्यादा परेशान होंगे, बिकॉज फीजी होती है, हर टाइम कोई ना कोई पेन होती रहती है। उनको परेशान नहीं करना था, अभी तो वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि चलो प्रभजोत घर पे आ रहा है। कितने दिनों बाद तैयार हो रहा हूँ मैं? 25 दिन बाद। 25 दिन बाद The next day. So, गुड मॉर्निंग सबको, और सुबह के 10:20 हो चुके हैं और अभी अपनी इंडिया जाने की तैयारी है। जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद था ना, ट्रैवल करना, मतलब कि ट्रैवल ट्रैवल मेरे को मजा आता था। अभी मेरे को सबसे ज्यादा डर उसी में लगता है कि मेरे को भी ट्रैवल करना है। अपनी टूटी हुई टांगों के साथ जुड़ चुकी हैं लेकिन अभी मूव नहीं होती, तो मुझे 2-3 बंदे तो चाहिए होते हैं हमेशा साथ में। तो गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा से हम लोग इंडिया जा रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। इस गाड़ी से हमारे बहुत सेंटीमेंट जुड़े थे। हाँ यस, हाँ यस। अभी इसकी भी एक स्टोरी है, घर जाके बताऊंगा कि हमारी हायस कहाँ है। एक हमारी हायस थी जिसको हमने कैरेवैन बनाया, इतने दिल से रेडी कराया था। एक ये हायस है जिसमें भगवान ना करे कभी किसी को बैठना पड़े, इसमें बैठ के हम जा रहे हैं। और जो हमारी कैरेवैन है बताऊंगा बाद में। और सारा सामान हमने ले लिया, एक ये बैग है, एक ये है, एक सूटकेस है जिसमें मेरे कपड़े हैं, जीजू के हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ से ज़रूरत के लिए ली है। एक व्हील चेयर भी हमने यहाँ से बाय करी है जो वो पड़ी हुई है, बिकॉज हमें नहीं पता दिल्ली एयरपोर्ट में हमें वो वाली व्हील चेयर मिलेगी नहीं मिलेगी जिसमें पैर एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, तो यहीं से बाय करके जा रहे हैं। भैया धीरे चलाओ। धीरे भाई धीरे, बहुत दर्द होती है। ऐसी भीड़ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे होती है, यहाँ देखो। तो जो हमारी फ़्लाइट है वो नेपाल एयरलाइन की है, बिकॉज उसी में बिजनेस क्लास आती है। अभी जीजू चेक इन वगैरह करा रहे हैं, चेक इन हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग टाइम से 1 घंटा पहले पहुँच गए हैं, तो बिजनेस लॉन्ज में बैठे हैं और बड़े टाइम बाद इंडियन फूड खा रहे हो। इंडियन फूड 24 दिन के बाद, हाँ मज़ा आ गया। और 1 घंटा पहले कैसे पहुँच गए हैं, बिकॉज हमें आइडिया नहीं था यहाँ पर कितना टाइम लगना है। हो सकता है हमें ज़्यादा भी लग जाता, बाय चांस फ्लाइट छूट जाती। वैसे तो सारा हमारा प्रोटोकॉल में हुआ लेकिन फिर भी हमें टाइम का आइडिया नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत मुश्किल से हमें बिजनेस सीट मिली है। अगले 20 दिन तक की नेपाल से इंडिया की जितनी भी फ्लाइट है ना, उसमें कोई भी सीट नहीं थी। ये भी कोई हमने बात करी, जुगाड़ लगाया, सेटिंग लगाया, तब जाके हमें सीट मिली। हमने हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट दिखाए कि इमरजेंसी है, हमें इंडिया पहुँचना ही पहुँचना, तब जाके हमें ये वाली सीट मिली है। चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छा होता है। आज फाइनली हम इंडिया पहुंच जाएंगे। सुबह से ना हॉस्पिटल में मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, अभी भी चीज़ इतना सारा डाल के तो ले आए, लेकिन इतना खाऊंगा नहीं, बिकॉज मेरे को ये डर है कि अगर रस्ते में पोटी आ गई तो करूंगा कैसे। एक बार घर पहुंच जाओ ना, फिर जितना मर्जी खा लो, फिर टेंशन नहीं है, रस्ते की दिक्कत है। देखो जब ऐसी हालत होती है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुसु और पोटी की, रस्ते में आ गई तो कैसे मैनेज करोगे। हो जाएगा लेकिन रिस्क लेना ही क्यों, कम खाओ, घर जाके दबा के खा लूंगा फिर से। वो रहा सामने हमारा प्लेन, अब ऊपर कैसे चढ़ूंगा ये नहीं पता। वो चाटी डाल रहा ना, वो ज्यादा शोर मचा रहा है। Thank you.
तो अभी सबसे मेन सवाल था कि हम प्लेन पे चढ़ेंगे कैसे। ये देख रहे हो, ये क्रेन है, इसके अंदर मुझे डाला जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, फिर प्लेन के अंदर चढ़ जाऊंगा। तो ये सामने इमरजेंसी गेट है जो स्पेशल हमारे लिए खुलेगा, ये हमारा गेट, ये वाला पायलट वाला, इस क्रेन से हम जाएंगे। फाइनली जिस चीज़ की मैं इतनी टेंशन ले रहा था ना कि प्लेन में बैठूंगा कैसे कैसे मैनेज होगा, बाबा जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो गया, बैठ गए हैं अभी सही सलामत हम इंडिया पहुंच जाएंगे। तो आज करीबन 25-26 दिन बाद हम चेयर्स मार रहे हैं। चेयर्स अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी मूवी देखी जाए। 2:37 कितने बजे उड़ना था फ्लाइट में है? कितने बजे उड़ना था? तो दिल्ली लैंड होने वाला था 1:45 पे। चलो कोई नहीं, यहाँ मैंने मूवी लगा ली है, मूवी एंजॉय करेंगे। पता क्या, मेरा ना एक ड्रीम था कि मेरे को बिजनेस क्लास पे ट्रेवल करना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसी हालत में ट्रेवल करना है। मेरे को था कि कभी दुबई जाऊंगा ना, कतार वतार में वो पूरा कैबिन वैबिन आराम से ऐसे बैठूंगा। ऐसा नहीं सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से पूरे हो जाते हैं। अभी मैं बिजनेस क्लास में लाइफ में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसे ट्रैवल नहीं करना था मेरे को, लेकिन ठीक है, होता वही है जो भगवान का मंजूर होता है। कोई नहीं, जैसे ही अपने दोनों लेग के फ्रैक्चर ठीक होंगे ना, हम दोबारा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे। पहुंच गए भाई फाइनली दिल्ली। ओके थैंक यू, बाय बाय। साथ साथ में अपने पैरों की एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी प्रीति को देखा दूर से, भाई वो तो माला वाला लेकर आई है मेरे लिए, और कोको भी आया भाई हमसे मिलने के लिए, कीरत भी है, कीरत तो फूल लेकर आया थैली में। अबे ओए ओए ओए, एयरपोर्ट है, क्या कर रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, ओए कोकड़े कोकड़े, ओ भाई कैसे जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा कोको, इसको समझ नहीं आ रही क्या हुआ ऊपर। अबे बस 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 मेरे दोस्त, बस मेरे दोस्त, और भाई इसको देखो कोको को, इसको अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। ओए कोको क्या हो रहा है? बस इसको विंडो से बाहर निकलना होता है, और बस अभी घर जा रहे हैं, और मम्मी पापा इतना खुश होने वाले हैं ना, मेरे को लग रहा है शायद उनकी लाइफ का ये सबसे खुशी वाला दिन होगा। तो फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं, जीजू भी ऊपर देखने गए हैं, बिकॉज व्हीलचेयर तो ऊपर जाएगी नहीं, तो पापा स्ट्रेचर लेकर आए हैं, तो जीजू वो स्ट्रेचर देखने गए कि सीढ़ियों से घूमेगा नहीं घूमेगा, बिकॉज सीढ़ियां बहुत छोटी, और इसको देखो डिक्की में से बाहर देख रहा है। कोको क्या हो रहा है बाहर, किसको देख रहा है कोको? ओए इसको आई थिंक बाहर कोई डॉग दिख रहा है। तू ठीक है? कौन है? मम्मी पहचाना नहीं मम्मी का? ना आराम से, ये लो पापा पकड़ो, नहीं नहीं छोड़ इसको, रस्सी से पकड़ना। तो अभी कोको पापा की गोदी में है, भाग रहा है यहाँ वहाँ बड़े स्पीड से, तो अभी वो स्ट्रेचर देख रहे हैं, सेट कर रहे हैं कैसे सेट होगा, कैसे जाऊंगा। थोड़ा टाइट ध्यान नाल, ये देखो भाई पूरी फैमिली मिलके मिले केक लेकर आई है, वेलकम कवीर केक लाई है। फूक पा रहे हैं, वेलकम बैक।
वो देखो भी आ गया, कटोरी लाई हूँ, सूंघ रहा है भाई, इसको पसंद ही नहीं है कोको केक। मेरा मतलब का नहीं है, मीठा बना कर रहा, चिकन वाला केक होना चाहिए था। लो भाई क्या, चलो ठीक है, नहीं खाना है। हमारे लिए दुआ करी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अरदास करी, उनके लिए दिल से भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज उनकी दुआओं से ही हम अपने घर वापिस आ पाए। और दवाइयाँ टाइम से खाएगा, मतलब नहीं है, ये वो एयरपोर्ट में भागता हुआ है थैली में फूल भर के, और एयरपोर्ट में फूल फेंक रहे ऊपर। पता इसने क्या कहा था रोते रोते कि मैं मामू को बोलूंगा, मामू मुझे हेलीकॉप्टर राउंड भी नहीं चाहिए। वो हमेशा अपने कंधों पर उठाता है ना इसको, कहता मुझे अब रोना नहीं। चल 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 चल, अभी तो ओके, सेंटी खुद ही हेलीकॉप्टर बना जल्दी, ठीक हो जाएगा ना, पूरे दो महीने बाद इसको हेलीकॉप्टर राउंड दूंगा, प्रॉमिस। ये देखो, इसको क्या हो गया, फिजियोथेरेपी, इसको केक नहीं दिया ना, दिया खा लिया आपके।